मुंडावर से एमएलए और अलवर से भावी एमपी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आपके सामने आए। ललित यादव जी, आपको देश दुनिया की हरियाणा की बात तो सारी दीपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन मैं तो एक बात कहने के लिए आप बीच में आए हो साथियों। आज देश संकट से गुजर रहा है और आप सबको वक्त आपके बीच में आया है कि आप लोग के वोट से देश में ताकत बनेगी। ये दीपेंद्र जी चुनाव जीत करके जाएंगे तो आने वाले वक्त के अंदर आपके हरियाणा में पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, देश के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जो काले कानून थे, जैसे चाहे किसान की बात है, चाहे नौजवान की बात है, चाहे दलित की पिछड़े की बात है और चाहे ये कच्ची भर्ती अग्निवीर की बात है, इन सबको बंद कर करके आप सबके लिए काम करने काम करेंगे। साथियों, मैं एक बात कहने के लिए आप बीच में आया हूँ। ये दीपेंद्र हुड्डा जी आप बीच में खड़े हैं, आपके तो नेता हरियाणा के हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ी है राजस्थान के अंदर, मेरे मुंडार में ले जाने की जरूरत पड़ी, ये पकड़ के ले गए, इनके भाषण दिलवा दिया और एक मिनट में लोगों ने वोट डालने काम किया। साफरों में जरूरत पड़ी, हमारे एक मिनट में कहकर ले गए, दीपेंद्र जी को चले गए। चाहे जब भी हमें जरूरत पड़ी खड़े मिले हैं। आज हम अपील करने के लिए आप बीच में आए हैं कि आप लोग भी पीछे पर डरना साथियों, नहीं तो कल हमें बात सुनने को मिलेगी कि जब मुझे बुलाया तो मैंने आके अपील करी, लोगों ने वोट डालने काम किया और आप लोग भी आए थे हरियाणा के अंदर कौशली भाषण देने के लिए और आपके लोगों ने ये किया। लेकिन आपको जिस प्रकार की भावना दिख रही है, जिस प्रकार के चेहरे पर चमक आपको दिख रही है, नौजवान की आंखों में चमक दिख रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वक्त के अंदर 25 तारीख को आप दीपेंद्र जी को एक वोट डाल करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाले हो। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि 14 का चुनाव हुआ, आप सबने सुना और नौजवान साथी किसान एक मिनट में बैठ गया, एक बड़ा भाषण दिया था और सुबह सुबह अखबार में जब लिखाया तो हम सब लोग उसको देखकर विचलित हो गए। उन्होंने कहा टीवी के ऊपर कि सौगंध मुझे मंच मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये आप सबके कानों ने समाज को सुना था, लेकिन साथियों इस देश को बेचने का काम किसने किया, इस देश के साथ न्याय करने की बजाय अन्याय करने का काम किसने किया, इस देश के किसान के साथ पेट पर लात मारने का काम किसने किया, ये आप सबने देखा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही नरेंद्र मोदी ने करने काम किया है। इसलिए साथियों, हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, ये संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो तो आने वाली 25 तारीख को एक भी वोट बचे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके गांव का एक एक वोट, धाड़ी का एक एक वोट जाकर के डालने काम करे। ऐसा नहीं हो गर्मी तेज है और आपके यहाँ वोट डले 50% तो सारे डाल दो आप, लेकिन 50 बच जाए उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होगा। इसलिए साथियों, मेरी अपील आप सबसे है कि 100% मतदान करने का आप लोग काम करें और आगे दीपेंद्र जी को जिता करके हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में भेजे, जिससे कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम उनके साथ काम कर सके। आपने यहाँ आने पर जो पगड़ी बांधकर स्वागत सत्कार किया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा पहनाई पगड़ी का मान सम्मान और इज्जत को बना के रखूंगा। जीवन में कभी कोसली गांव की